नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी? हम आ चुके हैं बांदा महोबा होते हुए। वो पीछे आप देख रहे हैं वो चौराहा है, चौराहे से थोड़ा किनारे आ गए ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। इस चौराहे का नाम है महाराणा प्रताप चौक। कुछ लोगों ने बताया इसको घोड़ा चौक भी लोग बोलते हैं, क्योंकि उस तरफ से जब आते हैं तो खाली घोड़ा नज़र आता है, इसलिए यहाँ पर लोग घोड़ा चौक भी बोलते हैं। हम बांदा में, बांदा की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 की चारों बीजेपी के पास हैं। पूरा बुंदेलखंडी बीजेपी के पास है। सांसद हैं यहाँ से आर के पटेल, बांदा सीट से प्रकाश द्विवेदी विधायक हैं, तिंदवारी सीट से ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक हैं, बबेरू से चंद्रपाल कुशवाहा विधायक हैं, और नरैनी से जो रिजर्व सीट है वहाँ से राजकरण कबीर विधायक हैं। राजनीति में बतियाते रहेंगे, विधायकों का ब्यौरा रिपोर्ट कार्ड भी लेते रहेंगे। पहले मुद्दों की बात कर लेते हैं। यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर हमारे शाम की गपशप शुरू हो रही है। तमाम खासतौर पर मैं देख रहा हूँ नौजवान मित्र हमारे आए हुए हैं, बातचीत करेंगे उनसे और समझेंगे पहले मुद्दे क्या हैं बांदा के। हम 2019 इलेक्शन में भी आए थे लोकसभा के टाइम, मैं ही आया था और तब भी हमने मुद्दे जाने थे। तो ये भी समझेंगे क्या 19 के बाद अब 21 है, क्या कुछ बदलाव आया? राज्य में भी सरकार है, तब केंद्र में चुनाव थे, अब राज्य के चुनाव होने वाले हैं जस्ट 4 महीने बाद। तो बांदा के लोगों के मुद्दे जानते हैं। लोगों ने कहा पहले इनसे बात कर लो, इनके नाम क्या, विधायक लगा हुआ क्या नाम है अपना? मैं सनी पटेल विधायक, NH पटेल विधायक। जी, कहानी बताओ विधायक कैसे लगा? देखिए, हमारे जो ये ऋषि वामदेव जी की पावन भूमि है, यहाँ का इतिहास रहा है। जब भी छात्र संघ चुनाव हुए हैं तो यहाँ के जो भी सीनियर छात्र नेता हुआ करते थे, हमेशा उन्होंने अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में अपना टाइटल चूज किया है। तो उन, क्योंकि सीनियर हैं हमसे, कहीं ना कहीं उनसे सीखने को मिलता है, उनकी प्रेरणा लेकर मैंने खुद ये विधायक टाइटल लगाया है। और ये देख के तुम्हारे सीनियर घबरा गए होंगे कि हम तो विधायक बने नहीं, लड़के ने प्रेरणा इसीलिए कि विधायक लगा लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनके एक समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं अजीत विधायक हैं, वो भी टाइटल विधायक लगाते हैं। कहीं ना कहीं सीनियर है, राजनैतिक पार्टी अलग हो सकती है लेकिन उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। पार्टी से जुड़े हुए? नहीं नहीं, मैं NSUI कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल का जिला अध्यक्ष हूँ बांदा से। NSUI के जिला अध्यक्ष? जी 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 जी। क्या प्रक्रिया होती है विधायक बनने की? कैसे विधायक बनोगे, क्या करोगे, रोड मैप क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, विधायक बुंदेलखंड के राजनीति की परंपरा को बदलने की आवश्यकता है। यहाँ जो कि अभी तक चल रहा था, आदमी एक लहर के तहत धन बल का प्रयोग करके, बाहुबल का प्रयोग करके टिकट लाता है, इसके बावजूद विभिन्न षड्यंत्रों के साथ वो दबा जनता का शोषण करके, कहीं ना कहीं जनता का शोषण करके विधायक पद पे आसीन होता है। लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो ये मानक बिल्कुल गलत है, क्योंकि छात्र राजनीति से जब विद्यार्थी संघर्ष करता है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मुझे गर्व है कि मैं एक किसान परिवार से हूँ। लेकिन किसान परिवार से होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास धन बल नहीं है तो हम राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति की हमको परिभाषा बदलनी होगी, क्योंकि राजनीति में जब सही युवा राजनीति की गद्दी पे बैठेगा, शायद तभी इस जनपद की और इस जनपद के साथ साथ इस प्रदेश की और इस देश की दशा दिशा सही रास्ते पर जा सकती है। सही बात, सही बात, सही बात। ताली अली थोड़ा बचा लीजिए, है ना, ये कोई वैसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो है नहीं, और ना ही वो वाली बहस चल रही है, और ना ही अभी विधायक बनने की आपको कुछ दिलवा देंगे ठेका एक, है ना। तो थोड़ा वो कंट्रोल रखिए उस चीज़ पर। तो गुरु क्या करने वाले हो? ये तो तुमने बढ़िया भाषण दिया हमको, लोगों ने ताली बजा दी, है ना। मैं आपके मुद्दे बांदा के क्या मुद्दे हैं? नौजवान भी हो, राजनीति भी करते हो, NSUI से जुड़े भी हो। मैं बिल्कुल बिल्कुल यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा अशिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई तो देशव्यापी है, लेकिन फिर भी महंगाई को भी ऐड करूँगा क्योंकि स्थानीय मुद्दा ये भी है। और चौथा सबसे अहम मुद्दा, यहाँ की जो माता हमारी केन नदी है, उसका चीरहरण खुलेआम किया जा रहा है, अवैध खनन। बिल्कुल, बुंदेलखंड, संपूर्ण बुंदेलखंड, बांदा जनपद ही नहीं, संपूर्ण बुंदेलखंड में के अंदर अवैध खनन हो रहा है। इसका मैं सबसे बड़ा प्रमाण आपको कहूँ, आप 10 बजे के बाद एक दिन गुप्त सर्वे करिए यहाँ की इंटरनल खदानों का, जितने भी यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, आपको यहाँ की अवैध लूट के बारे में सच्चाई पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस बुंदेलखंड में जो भी जनप्रतिनिधि, यहाँ की जनता ने, यहाँ की युवाओं ने, बेरोजगारों ने एक विश्वास के तहत अपना मत देकर इनको उस सीट पर बैठाए कि ताकि हमारे यहाँ की अशिक्षा दूर हो सके, यहाँ की बेरोजगारी दूर हो सके, यहाँ की महंगाई दूर हो सके। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ।
देखिए काम एक जो काम होते हैं लेकिन जो व्यापक रूप में जिनकी आवश्यकता है वो काम यहाँ पर नहीं हुए। आप अभी तक सफ़र करके करके आए होंगे, आप खुद स्पष्ट रूप से जानते होंगे कि जो गड्ढा मुक्त का आह्वान हुआ था, क्या गड्ढा मुक्त हुई है सड़कें? बरसात भी गड्ढे होते हैं, बरसात भी गड्ढे होंगे। क्या नाम है? राम मोहन गुप्ता। एक तो ये प्लीज रुकिए सुनिए, है ये नहीं करना है, जैसे ये बोल रहे जो बोल रहे मैं सुन लूंगा और आपके हिस्से का सवाल भी मैं इनसे पूछ लूंगा, एक दूसरे पे चीटा कशी मत करिएगा, है ना? क्या नाम है आपका? राम मोहन नाम है। क्या करते हैं राम मोहन? बिजनेस है। क्या बिजनेस है? बस सामने मेडिकल है। भैया एक एक करके आएंगे ना, चाचा रुक जाओ, आ रहे हैं, एक एक करके सुनेंगे ना, एक एक साथ तो मैं सुन नहीं लूंगा सबकी। और दूसरे आदमी भी आए, हल्ला करना शुरू कर दिया आपने। क्या पूछ रहे हैं आप? गड्ढे की इन्होंने बात की, गड्ढा मुक्त प्रदेश, बरसात गड्ढे मुक्त, बरसात गड्ढे, देखिए गड्ढे जहाँ तक बात है तो बरसात होती है तो गड्ढे होंगे, और जो कच्चा बाना है गड्ढे होंगे फिर उसको सही किया जाएगा। अभी आप जाइए सही कर दिए गए, बरसात हुई वो ख़त्म हो गए। कमरा कानपुर में जहाँ तक बात है, कानपुर में वहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, मेट्रो डेवलपमेंट चल, हाँ मेट्रो चल रही है उसमें तो पूरा फिलहाल। अरे भाई सुनने दीजिए ना, चलिए 19 पूछिए यार, अगर आपको ऐसा करना तो आप लोग जा सकते हैं, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मैं आऊंगा ना आपके पास, रुकिए तो थोड़ा सब्र तो रखिए, 5 मिनट नहीं हुए अभी शुरू किए क्या? बात भैया कानपुर की नहीं हो रही है, मैं बांदा आया हुआ हूँ, बांदा की बात हो रही है। और जो आपने कहा कि बारिश में थोड़ा गोला बड़ा कर लीजिए भाई, डामर है, डामर पानी में खराब हो जाता है। मगर मेरा सवाल ये है और लोगों से पूछता हूँ कि क्या पहले गड्ढे नहीं थे क्या? अगर बात करते गड्ढों की, अपना मेरा नाम अभिषेक शुक्ल अंश है, मैं छात्र राजनीति करता हूँ, हाँ थोड़ी बहुत टिकली अभी तो, फिर फिलहाल जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ देखिए गड्ढों की बात होती है, एक होता है गड्ढा और एक होता है कुआं। तो यहाँ की जो कनवारा बाईपास रोड है, आप अभी चले जाइए, बात की बात पहले की बात हटा दीजिए, वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर भाजपा कार्यालय है, माननीय PWD मंत्री आए भी थे बांदा, उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि आप बाइक लेकर जाएंगे बाइक आपकी रख जाएगी, आदमी घुस जाएगा, लोगों ने वहाँ पे धान लगा दिए थे, उसके बाद भी 5 साल हो गए। पर वो तो डामर रोड जो है बारिश से नहीं खत्म हुई, नहीं नहीं वो भी सत्य करा है, मेरी गाड़ी भी डैमेज हुई उसमें, ऐसा नहीं है और बहुत सत्य है ये सत्य, मैं जो सत्य है तो सत्य, उसमें झूठ बोली बात नहीं है। मेरी रोडें हैं इस सरकार में, पिछली सरकारों से बेहतर रोडें हैं, अल्लाह ने भाई प्लीज। वो जो रोड की बात कर रहे रिंग रोड की, वो मायावती के शासन काल में बनी थी, माननीय नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने बनवाया था उन्होंने ना, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था बांदा में, जो भी विकास आप देख रहे हैं वो नसीरुद्दीन के ही देन है। देखिए सत्ता यही है, सत्यता वही है, उसी समय चालू थे, उसके बाद उसका सपा कार्यकाल में काम होता रहा, सपा कार्यकाल में ही वो रोड डैमेज हो चुकी थी, ठीक है ना, और अब उसका फिर टेंडर आ चुका है, फिर काम शुरू होने वाला है, फिर काम शुरू होने वाला है जी। भैया जिसके पास माइक दे वही बोल लेना क्यों, और थोड़ा शांत भाई साहब, आपको अगर अलग बहस करनी है आप जाके दो लोग को ले लीजिए, अपना करते रहिए बहस, यहाँ एक एक आदमी बोले ना और सबके पास आ जाऊँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं जी। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, बेरोजगार युवा 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, ये आपको भी पता है, एक वैकेंसी अगर फिजिकल एजुकेशन की निकली हो तो बताइए, अगर हम लोग लखनऊ जाते हैं विरोध करने या मुख्यमंत्री जी से कहने, भैया यार कौन है ये पीछे कमेंट्री, तुम यार रुक जाओ यार, बोल लेना अभी माइक पे, मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं अगर नौकरी मांगने के लिए कि भर सर 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, आप इसको निकालिए, अखिलेश सरकार में 32,000 जगह निकली थी, उसका पैसा जो है पी गए, फूंक दिया, रात में जो फूंकते हैं पूरा पैसा फूंक दिया चिल्ला में भर के, सही बता रहे हैं हम बिल्कुल बहुत प्रताड़ित हैं हम, मेरी एज 25 साल थी, आज मैं 30 साल का हो गया, एक वैकेंसी नहीं निकली BPET की फिजिकल एजुकेशन की, अब पूरे उत्तर प्रदेश में खाली है वैकेंसी, हर एक प्राइमरी स्कूल में खाली है वैकेंसी,
तो जिस तरह से ये बीजेपी सरकार बेरोजगारी युवा मांगने वालों को जो लखनऊ में मांगते हैं तो लाठियां बरसाती है, तो इस बार युवाओं ने सबने सोच लिया है कि जिस तरह से इन लोगों ने लाठियां बरसाई हैं उस तरह 2022 के चुनाव में जब ये आएंगे तो बेरोजगार युवा जूते बरसाएगा इनके ऊपर के। ये एक बेरोजगार है कह रहा है, कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप इसमें सर्वे कर लीजिएगा, अगर 5 साल में एक वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन की निकली हो, 50,000 फीस देकर हमने बीपीएड किया, 2014 में बीपीएड किया, 2014 में अखिलेश सरकार ने भर्ती निकाली, अनुदेशक की निकाली, इन्होंने विशेष कोर्ट पहुंचा दी, विशेष कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पहुंचा दी, इन्हीं का वकील कैंसिल कराता है और भर्ती निकाली और हमने 350 में फॉर्म भरा, करोड़ों रुपये इकट्ठा हुआ, उसको ये लोग पी गए पूरा पैसा। वो पैसा हम कहाँ से लाए थे, हमने फॉर्म भरा, घर वालों से मांगा तब फॉर्म भरा। तो ये है हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा, ये हमारा हमारी बात पहुंचा दीजिए बस, बेरोजगार हैं, जल्दी नौकरियां हैं क्लियर हो, ये हम जहां भी जा रहे हैं जिस भी जिले में जा रहे हैं ये रोजगार की और खासतौर पर सरकारी नौकरियों की बहुत शिकायतें मिल रही हैं कि, और जो सही भी हैं, हालांकि सरकार ये दावा करती है कि उसने करीब 4 लाख रोजगार दिया। सत्रह विधायक हैं इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में, 19 विधायक हैं पूरे, ऑल टोटल पूरा बीजेपी, अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, किसी में भी जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होल्डिंग लगाए 20x10 के की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर वन है उत्तर प्रदेश, एक भी इकाई पूरे बुंदेलखंड में नहीं लगी अभी तक, और ना ही एक रोजगार मिला। भाई सरकारी नौकरी कहते हैं कि नहीं है तो प्राइवेट, ये तर्क मुझे ठीक भी लगता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, मगर दूसरे ऑप्शन तैयार कर, एक आगे यहाँ पे कताई मिल है जो बहुत ही बड़ी मिल थी और बहुत लोग यहाँ पे रोजगार मिलता था उनको, किसी भी तरह से 3,000 लोगों को रोजगार मिलता था और किसी तरह दूसरे लोगों को भी उससे खाना पानी चलता था, उसको मुद्दा बनाया यहाँ के स्थानीय विधायक ने और ये वादा किया कि अब मैं जब जीतूं, विधायक जी के नाम क्या है, प्रकाश द्विवेदी जी सदर, वो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जब आऊंगा तो इसमें इस इकाई को दोबारा मैं बनवाऊंगा, चालू कराऊंगा, ना होगा तो कोई दूसरा रोजगार स्थापित कराते, ना इतनी बड़ी करा पाते, कोई इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा पड़ा है, कोई एक रोजगार सजेस्ट होता नहीं हुआ, केवल काम क्या किया, 100 को 112 कर दिया। यहाँ पीछे अखिलेश सरकार के दौरान बनी हुई हॉस्पिटल है, कोविड का इतना बड़ा दो इतनी बड़ी बड़ी हादसा हो चुके अपने यहाँ, इतनी बड़ी वेव आई, शायद हो सकता है मे बी पॉसिबल तीसरी वेव भी आ जाए, आज तक उद्घाटन नहीं करा पाए, केवल इसलिए क्योंकि उसका सिंहासन का शिल्पट माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, लोकार्पण भी जिस तरह भाजपा यहाँ पे बुंदेलखंड में सारी बहुमत आई है और सारे विधायक बने हैं, उसी तरह आने वाले समय में 2022 में सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। लोग ये भी कहते हैं, मगर विपक्ष से भी नाराजगी जाहिर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी जितना प्रभावी होना चाहिए उतना प्रभावी दिखता नहीं है, और जो सही बात भी है, सवाल तो सुनिए भाई साहब, कोरोना के दौर में भी हमने देखा कि जब बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग परेशान थे, बेड के लिए लोग परेशान थे, तब अखिलेश यादव ये कहते दिख रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाओ, वैक्सीन को वो भाजपा का बता रहे थे, ये कितना ठीक था? नहीं, जो वैक्सीन की बात है, वैक्सीन जो पढ़ा लिखा समाज है जिसने है, मैंने कहा उन्होंने गलत नहीं, उन्होंने उस टाइम जिस टाइम वो जब वो लोग कह रहे थे पीछे लगा करके क्या कहते हैं होल्डिंग बीजेपी की, और बीजेपी वाले ही कहते थे कि नहीं ये बनाया हुआ, तो ये किसी पार्टी से आप किसी भी वैक्सीन को किसी चीज को बांध नहीं सकते। अखिलेश यादव ने जो किया वो ठीक किया गलत किया? नहीं, अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना कि हम वैक्सीन उन्होंने कहा था ना सबको लगवा देंगे, नहीं नहीं डोज में लगवाऊंगा, मैं ये पूछ रहा हूँ जो उन्होंने पहले प्रचारित करने की कोशिश की वो ठीक था? वो उन्होंने तब कहा जब क्या कहते हैं सब लोगों के ऊपर टेस्टेड नहीं थी, उसमें भी जब कई क्राइटेरिया है वैक्सीन को, वैक्सीन प्रमाणित करने के लिए भी कई लॉज बने हुए हैं जब उसमें करने, आप उसको नहीं मानोगे, यही दिक्कत है। सब बातें होती, नासिर खान नाम है मेरा, सबकी बातें होती हैं, क्या करते हैं नासिर? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ, यूनियन का मजदूरों की कोई बात नहीं करता है, समझ गए? क्या मुद्दे हैं मजदूरों का? ये मुद्दे हैं कि मजदूर जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ उसके खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो अगर एक दिन की दिहाड़ी करता तो तेल नहीं ले पाता है, तेल नहीं ले पाता है, टमाटर नहीं खरीद पाता है, टमाटर खरीद नहीं पाता है वो, समझ गए? यहाँ से ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, एक भी फैक्ट्री नहीं बनाई गई कहीं कम से कम मजदूरों को काम मिले,
कोई फैक्ट्री नहीं बनाई गई, यहाँ से पलायन हो रहा है मजदूरों का। आप चले जाइए हर गांव में आपको ताला लटका मिलेगा, हर ताला लटका। यहाँ खाद में 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है, महिलाएं लगी हुई हैं, बताइए। जब तक अगर उनको किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा, ना मजदूरी मिलेगी ना किसान को खाद मिलेगी, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए। 55 रुपये में कहाँ लाइसेंस बनता था, आज 55,000 रुपये लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस कहीं कुछ का, ये क्या है बताइए। हम ये कहते हैं अगर आप कम से कम मजदूरों की सुनिए, किसानों की सुनिए, किसी की नहीं सुनेंगे तो आपको उखाड़ फेंकेंगे। पौने पाँच साल में हमारा निहाल नाम है, हमारा निहाल नाम है, निहाल खान भाई। मैं ड्राइवी करता हूँ ठीक है। पौने पाँच साल में मैं ये भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, पौने पाँच साल में इन्होंने क्या किया विकास एक तो बता दें क्या किया पौने पाँच साल में। सिलेंडर के सन 2013 में बुंदेलखंड को लेकर सरकार का दावा ऐसा रहता है कि भाई हम एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, उससे बनाएंगे, उससे चीजें आएंगी, इंडस्ट्री आएगी। पौने पाँच साल हो गए, अब कब बनाएंगे, ठीक है, बन तो रहा है। नकुल गुप्ता क्या बन रहा है, एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेस वे बन तो रहा है। नकुल गुप्ता प्लीज, अगर आपको कमेंट्री करनी तो कर लीजिए, आप लोग की सुनिए, उनकी सुन लेते हैं फिर आप लोग की सुन लेंगे। सन 2013 में सिलेंडर की पोजीशन 393 रुपए थी, आज सिलेंडर की पोजीशन क्या है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इन भाई साहब से, पूछिए सिलेंडर की पोजीशन क्या है। दो मुद्दे इन्होंने बोले है ना, एक तो रोजगार को यहाँ मुद्दा उठा रहा है कि उसके लिए रुक जाओ दोस्त, कुछ नहीं हो पा रहा है ना, दूसरा ये महंगाई। देखिए इन्होंने जो मुद्दे पूछे जाएंगे, पहला कि जैसे एक्सप्रेस वे के लिए, एक्सप्रेस वे चले जाइए जाकर के स्वयं देख सकते हैं, चित्रकूट से लेकर के इटावा होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे में जुड़ रहा है, एक्सप्रेस वे मिल रहा बन रहा है। और अगर ये नहीं गए हो तो ज्यादा नहीं मवई बाईपास चले जाइए। और भाई साहब सवाल मैं पूछूंगा, रुक जाइए आप सब लोग सुन लीजिए एक बार, रुक जाओ आप सब लोग एक बात सुन लीजिए है ना, मैं सवाल पूछूंगा जवाब देंगे आप लोग है ना, अगर किसी को यहाँ मेरी जगह आ जाना तो माइक ले बात कर ले है ना। आपकी बात सुनी, आपने सवाल पूछा वही सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, अपने मन से तो कुछ नहीं पूछ रहा, तो बहस मत करिए। एक्सप्रेस वे की जो बात की इन्होंने, और दूसरी बात सरसों के तेल की, आज से 10 साल पहले सरसों की कीमत कितनी थी और आज किसान को सरसों किस भाव का बेच रहा है, जब महंगा बेचे जाएगा तो महंगा 100% बिकेगा भी और उसका तेल भी महंगा बिकेगा। मैं किसी पार्टी और बताइए उससे आज मैं चूंकि मैं एक किसान का बेटा, प्लीज शांत हो जाइए यार, हल्ला मत करिए। मेरा नाम मुलायम यादव है और मैं मुलायम यादव, क्योंकि उस समय पार्टी जुड़े हुए कोई मतलब नहीं है मुझे किसी तरह से, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं तैयारी करता था रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, SSC के लिए, इलाहाबाद में रहकर तैयारी करता था और काकादेव में कोचिंग करता था, लेकिन इस तानाशाही सरकार की वजह से और ये जो इतना भ्रष्ट सरसों की बात हो रही थी यार, पहले वो बताओ ना, सरसों की बात बता रहा हूँ, ये माइक लेके सरसों चक्कर आए, सरसों की बात बता रहा हूँ, सरसों जो आज की कीमत है इनसे पता कर लीजिए, ये शायद किसान नहीं होंगे, मैं किसान का बेटा हूँ, आज 3800-3900 रुपए मुश्किल से एक कुंटल के किसान के सरसों का, पहले भी यही कीमत थी 3200-3300, कोई फर्क नहीं, 200-300 रुपए। अरे जबकि ये 2014 की बात कर रहा हूँ, उठा के देख लीजिए, एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दिन की नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा धान 1900-2000 का बिकता था आज वो 1200-1300 का बिकता है, वो भी जो है अब सही से रेट नहीं मिलता, जाने कब आता है, जो जितना मैं स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि जो है किसान से जुड़ा हूँ तो ये मुझसे ज्यादा नहीं जानते, मेरी चले जाइए, मैं खुद किसानी करता हूँ। 2200 रुपए का सरसों था, 2200-2300 रुपए का सरसों था, आज 3600 रुपए से रेट है सरसों का। आप किसान तो है नहीं, ये आदमी मैं तो खरीदने वाला हूँ ना, मैं खरीदने वाला हूँ।
तुम आ जाओ पहले, ये भाई बहुत देर चिल्ला, रुक जाओ, आता ही मैं इसके बाद आता हूँ, आता हूँ। इतनी जल्दी क्यों है भाई साहब, रुक जाओ, बहुत दूर हो गए पहले। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित यादव है। क्या हो रहा है आप लोग बहस खराब कर रहे हैं, मुझे नाम खराब कर रहे हैं, मुझे नाम भी खराब ही कर दिया सदर विधायक जी ने, अवैध खनन कर करके। रुक जाओ दोस्त, मुझे 2 मिनट लगेगा बंद करके चला जाऊंगा, और आप लोग बहस करते रहिए, खूब टाइम आराम से बात कर लेंगे ना, इतना हल्ला कर कुछ नहीं होना दोस्त। क्या नाम है? रोहित यादव। काहे तो चिल्ला रहे? मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ, बांदा में क्या कहते हैं, इतना अवैध खनन हो रहा है, रात के 10 बजे से आप निकल जाइए शहर के। बता चुके, कुछ नया बताओ। मैं यही नया बता रहा हूँ, आप 10 बजे के बाद निकल जाइए शहर के अंदर, अवैध। अरे तुम्हारे विधायक जी ने यही बताया। अरे सुनेंगे तो मेरी पूरी बात, कोई और मुद्दा बताओ तुम। मैं मुद्दा बताऊंगा, इतना आदमी रिपीट नहीं कुछ होगा। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है इधर अवैध का, पूरा सदर विधायक जो है प्रकाश द्विवेदी बांदा के, पूरी खदाने चला रहे हैं, हर चीज में पार्टनरशिप, रोडों में पार्टनरशिप, कोई भी छोटा सा काम होगा उसमें पार्टनरशिप चाहिए उनको। देखिए हम एक मिनट भैया, मैं एक स्पोर्ट्स, अब रुक जाओ तुम दोस्त, मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूं अबरार फारूकी, प्लीज यार कमेंट्री मत करो पीछे से आप। नहीं, मैं एक क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। अभी तक खेल रहे आप, क्या उम्र है? 32 साल है मेरी, खेल की कोई उम्र नहीं होती, आप भी खेल सकते हैं, है ना? क्रिकेट के खिलाड़ी आप इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रोफेशन हमारे सदर विधायक जी खेलते रहे क्रिकेट अभी तक। हाँ क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलते रहना शौकिया, और प्रोफेशन के तौर पर बताना। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, मुझे कहना चाहता हूँ कि बांदा का स्टेडियम पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी घासें उगाई हैं, इंडोर की छतें फटी हुई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो कोच रखे गए थे सारे कोचों को निकाल दिया गया है, वो पकौड़े बेच रहे हैं, कोई जलेबी बेच रहा है, भुखमरी से मर रहे हैं वो लोग। और यहाँ 4 विधानसभा जिता करके भेजा है भाजपा के, 4 विधायक हैं हमारे जिले के, ठीक है? इनसे भाई साहब कहाँ गए, कहाँ गए सरसों बेच रहे थे जो, उनसे ये पूछ लीजिए, उनसे ये पूछिए कि 4 ठो काम, मात्र 4 काम उनसे पूछिए। आप लोग के पीछे कुछ लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, आप लोग खुद समझा लीजिए उनको, या मैं चला जाऊंगा। भाजपा सरकार में 4 काम जिले में, उनसे पूछ लीजिए जो बता दिए हमको, 4 तो काम कोई हो। आ जाइए आ जाइए, रुक जाओ दोस्त। मैं बोलता हूँ, मैं किसान भी हूँ, मैं कताई मिल में 2003 में भर्ती हुआ। नाम है आपका? मेरा सुखलाल बौद्ध नाम है, ग्राम कताई मिल का निवासी हूँ, ठीक है? कताई मिल सन 1981 में माननीय बीपी सिंह मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, वो बनकर के सन 1983 में तैयार हो गए। हम लोग लोकल के लोग भी उसमें हुए और बाहर के लोग भी हुए, वो चलते चलते सन 1998 में बंद हो गई। तो उसको लोगों ने ये सोचा कि 1998 से किसी सरकार ने नहीं चला पाई, क्योंकि वो सिंगल सरकार रहती है, और यहाँ के लोगों ने ये सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियों का भंडार लगा है, यूपी बिहार का पूरे देश का लोग वहाँ जाकर के पेट की रोटी कमाता है, तब जीवन इस भारत का पलता है। तो लोगों ने सोचा कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो पूरे देश में फैक्ट्रियाँ चलेंगी, तो हमको क्षेत्रीय काम मिलेगा और हम लोग जो है यहाँ अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे। लेकिन नहीं पहली सरकार में हुआ, तो लोगों ने सोचा कि अगर हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, तो यूपी की सरकार अगर हम बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बनेगा, तो प्रधानमंत्री से ये जो बंद पड़े कताई मिल और बर्गर ग्लास फैक्ट्री को चलाएगा, तो यहाँ कम से कम 4-6 हज़ार लोगों का पेट पालता और पालता था पहले। जब अब सवाल इस बात का है कि अगर थोड़ा सा निगाह घुमाई जाए तो इस देश, इस प्रदेश में हमारे जनपद बांदा के लिए किसी इस सरकार में कुछ नहीं काम हुआ। अगर पिछली सरकार में थोड़ा बहुत हुआ है तो वो आज दिख रहा है, चाहे आप
फैक्ट्री वो देख लीजिए अपना। आप आइए, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा बात कर रहे हैं, अगर रुक जाओ भैया, आ जाऊंगा, रुक जाओ। आप अगर आप भैया आप लोग की तरह से इनसे सवाल पूछ लेता हूं, है ना, क्या हुआ, थोड़ा पीछे हो जाइए भाई, अगर हमारे कैमरामैन को जगह नहीं मिलेगी कैसे बात होगी। यहाँ मुझसे सवाल पूछा गया कि चार काम बता दीजिए जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोजगार को लेकर हुआ हो, है ना, स्वास्थ्य को लेकर हुआ हो, शिक्षा को लेकर हुआ, बताइए। जी देखिए, अभी तो आपको सबको मालूम है कि जैसा कि 2 साल से कोविड के कारण किसी, ये मत बताइए, मुझे काम बताइए। काम ही बता रहा हूँ सर मैं, कोविड के कारण जो भी काम रुके पड़े थे वो नहीं हो पा रहे हैं। मैं किसी पार्टी का प्लीज नहीं। मैं आपसे अगर आप नेता नहीं हूँ, आपकी जैसा समर्थक ही हूँ, आप किसी दूसरे उससे होंगे भैया, किसी दूसरे, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी उससे नहीं हूँ। सर स्वास्थ्य सुविधाओं में मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं में मैं कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य सुविधा में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, बांदा में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ना वहाँ मशीनें हैं, ना वहाँ फैकल्टी है पढ़ाने के लिए, वहाँ वो सब चौपट पड़ा हुआ, और बसपा के शासनकाल में वो लाया गया था बांदा। ये है मुद्दा बांदा का, ये मुद्दे हैं जो ये कॉलेजों का जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्रियों के स्वागत समारोह के लिए होता है। आप मेडिकल कॉलेज के गेट पे खड़े होकर के वहाँ के गरीबों से पूछे, वो रोज 500-1000 रुपए की दवाएं बाहर से लेके आते, वहाँ एक्सपायर दवाएं हैं, और बजट आता है बजट खा लिया जाता है, वहाँ के ऑडिटोरियम का इस्तेमाल केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके प्रभारी मंत्रियों के स्वागत समारोह के लिए होता है। हम लोग कोरोना से उभर के इतनी दूर आए हैं, हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पे और खर्च करना चाहिए, बजट निकालने चाहिए, उन पे चर्चा करनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार बजट पेश करे। लेकिन हमारी बांदा जनपद की या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार ने यहाँ किसी बजट को प्रावधान में पेश नहीं किया, स्वास्थ्य कोई चीज नहीं हुई। आप समझिए कि क्या नाम है आप? मेरा नाम लव सिन्हा नाम है, मैं छात्र हूँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का, और आप समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बांदा शहर में अभी कुछ भी नहीं बढ़ा। पंडित जैन का हमारे वहाँ पर सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, आप आज भी चले जाइए तो जर्जर आपको दीवारें मिलेंगी, ना आपको वहाँ पंखे मिलेंगे, ना शिक्षा के नाम पर कोई भी सब्जेक्ट बढ़ाया गया होगा। हम लोग मांगे रख रहे कि उसको विश्वविद्यालय स्तर पर लेकर जाया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर तक भी नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इसी सीटें और कम कर दी गई। अब जब बच्चा पढ़ेगा नहीं यहाँ पर तो कहाँ जाएगा, पलायन करेगा वो यहाँ से पढ़ा। ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़े नहीं तो मांगेगा नहीं, और अगर पढ़ लेगा तो फिर इनसे मांगना चालू कर देगा, इनको डर है इस चीज का। और आपको एक बात बता दें कि अभी की हाल की बात है, हम लोग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक आंदोलन करके निकल रहे हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों को जानबूझ के फेल कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि कंप्यूटर की वजह से, गड़बड़ी की वजह से इतने सारे छात्र फेल हो गए, 70% छात्र समझ लिए फेल हो गए। और उसके बाद जब आंदोलन किया तो उनको सबको प्रमोट कर दिया। अगर आखिर कौन सी नीति है इनकी जो ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, ये जानबूझ के बच्चों को फेल करना चाहते हैं, जानबूझ बच्चों को ऐसा बना देना चाहते हैं कि ये रोजगार के लिए अप्लाई ना कर पाए, सबको निजीकरण करते चले जा रहे हैं, सब कुछ लूटते चले जा रहे हैं। इनका मकसद यही है कि ना कोई पढ़ेगा ना लिखेगा और पकौड़े बेचेगा, और पकौड़े बेचना ही ये चाहते हैं। अभी बांदा स्तर पे सरकार, ये लोग एक एक ये लोग सरकार में आने से पहले कह रहे थे कि ये सरकार जो पहले की पूर्ववर्ती सरकार थी उस... आपको बहुत जल्दी तो आप चले जाइए, आराम से बात करते हैं। जो 2017 के पहले सरकार थी उसे ये लोग कहते थे यहाँ गुंडई होती है, यहाँ हत्याएं होती है, लेकिन आज बांदा में जिस तरह से रेप और हत्याएं की घटना लगातार निरंतर, एक हफ्ते के अंदर 3 हत्याएं हो जाती हैं, 3 रेप हो जाते हैं, और इस बात के गवाही ये सारे लोग हैं। अभी हाल ही की घटना बता दूँ, इसकी पहले एक सुधा रायकवार की पुलिस की प्रताड़ना के कारण वो आत्महत्या कर ली, और अभी एक अमन त्रिपाठी जो भाजपा नेता का ही बेटा है उसकी हत्या हो गई औरन ग्रामीण में, अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ एक 7 साल के बच्चे की किडनैप करके हत्या कर दी गई। ऐसे कई मामले हैं, मैं आपको गिनाऊँ तो यहाँ हर हफ्ते में कम से कम 3 हत्याएं और 3 बलात्कार होते हैं। आप इन सब लोगों से पूछ सकते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा यहाँ की अन्ना प्रथा। देखिये
ये भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर विश्व पटल पे हम भारत को जाना जाता है तो गांधी जी की वजह से और यहाँ की मुख्य रूप से कृषि के मामले में जाना जाता है। यहाँ की अन्ना प्रथा, यहाँ की अन्ना प्रथा पे आखिर में भाजपा सरकार ने क्या किया है? यहाँ के किसानों की आज आप हालत देखिए, यहाँ के जो भी बने हैं गायों की रखवाली के लिए बने हैं, आप उनकी जाइए, वहाँ गाय मर रही है, जेसीबी से उनकी लाशें उठाई जा रही। आखिर जब समाजवादी पार्टी से हैं, मैं एनएसयूआई कांग्रेस से हैं, है कांग्रेस ऐसा दावा करती है विपक्ष तौर पे बहुत एक्टिव है, आप लोग क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते हैं? विपक्ष के तौर पर भी आपसे जनता की नाराजगी दिखती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, 5 साल उठने चाहिए, क्यों नहीं उठते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए विपक्ष की भूमिका पे चुनाव है तो आप लोग सब लोग विपक्ष की भूमिका पे सवाल अगर उठाया जा रहा है तो मैं आपको कहूंगा, जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई, किसानों के ऊपर भाजपा नेता द्वारा गाड़ियां चला, आतंकवादी के रूप में जैसे आतंकवादियों के साथ अन्याय किया जाता है, न्याय किया जाता है, उनके ऊपर गाड़ियां चला दी जाती, वैसे ही किसानों के ऊपर वहां गाड़ियां चला दी गई, कौन न्याय के लिए गए? प्रियंका वाड्रा जी न्याय के लिए। वो तो अभी का मामला है, चुनाव करीब है। देखिए मैं वैसे बोल रहा हूँ, जो मुद्दे कोरोना के दौर में हमने देखा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, प्लीज कांग्रेस है, ये सब कहाँ थे, सड़क पर क्यों नजर? देखिए बात कोरोना काल की बात आती है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये जानकारी आप पता करिए, जब यहाँ पे कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय माननीय प्रियंका वाड्रा जी ने यहाँ की जनपद की हालत को देखते हुए यहाँ के लिए राशन मुहैया करवाए थे, जिसको हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुद, जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं अधिकांश जगहों पर, वहाँ पे हमने उस मेरा सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी कभी कभी क्यों आती उत्तर प्रदेश? जब उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो क्यों नहीं वो यहाँ परमानेंट रहती हैं, लखनऊ रहें, लोगों से मिले? जब चुनाव होते हैं तब प्रियंका गांधी क्यों आती हैं? जब कोई मुद्दा होता है तब प्रियंका गांधी क्यों आती हैं? यहाँ रहती क्यों नहीं है? भाई उत्तर प्रदेश जो है वो 24 घंटे और 365 दिन पॉलिटिक्स वाला प्रदेश है ना, यहाँ हर दिन आप कभी भी चुनाव का इंतजार नहीं करते लोग, तो वो एक्टिवनेस विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी की तरफ से क्यों नजर नहीं आती? देखिए प्रियंका, बात रही प्रियंका गांधी जी की, आप विपक्ष में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेहनत, चाहे वो लखीमपुर हिंसा को लेकर रही हो, चाहे महिलाओं के बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो, कोरोना में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या नाम है, पुरुषोत्तम सिंह नाम सर मेरा, पुरुषोत्तम सिंह प्राइवेट जॉब करता हूँ दोस्त, गोला बड़ा कर लीजिए, धक्का मत, अरे भाई साहब रुक जाइए यार, एक आप लोग एक शहर के रहने वाले हैं, रुक जाइए, बोल लिया है तो बात, थोड़ा सही बात, नए लोगों को मौका दीजिए, क्या नाम है? पुरुषोत्तम सिंह सर, पुरुषोत्तम सिंह, क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके साथ सर? मेरा यहाँ एक ज्वलंत मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, एक अमन त्रिपाठी छात्र, नाबालिग छात्र, 13 वर्ष है जी, तो सर उसके उसपे कोई आवाज नहीं उठा रहा सर, और ये मतलब सबसे उसको दबाया जा रहा है सर, उसका परिवार थोड़ा वीक है तो बहुत ज्यादा उसको दबाया जा रहा है। लोग मुद्दे उठा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, लोग कह रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का अपग्रेड होने की बात कह रहे हैं, ये कहूंगा यहाँ पर पलायन बहुत ज्यादा है सर, और सारी सरकारें चुनाव के समय तो कहती कि हम बुंदेलखंड के लिए ये करेंगे वो करेंगे, नॉट बीजेपी, सपा बसपा सभी ने कहा है, मगर करा कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया, हमेशा कहेंगे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, एक्सप्रेसवे निकालेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, देखिए कोई फैक्ट्रियां नहीं लगा रही, यहाँ पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी है सर, कोई वो नहीं, प्रवक्ता तेरे प्लीज कोई बात ना करे, है ना, सफाई है ना, ये सफाई है, ऐसा कुछ नहीं, सपा से पूछ लूंगा ना भाई, बता नहीं पहुंचाओ उधर, पूछ लीजिए, रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं की जब 5 साल थे बुंदेलखंड में? 5 साल में जब अपने पुलिस भर्तियां करी? नहीं 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 नहीं, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुंदेलखंड के लिए रोजगार, प्राइवेट जो पलायन होता है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ऐसे तो बीजेपी सरकार भी गरीब 4 लाख नौकरी दी है ना, वो कह रहे रुक जाओ चिल्लाओ नहीं, पहली बात तो 1,37,000 वो कह रहे शिक्षक भर्ती हमने की है ना, 1 लाख से ज्यादा वो कह रहे 1.5 लाख हमने सिपाही भर्ती की, नौकरियां गिना देंगे, प्राइवेट नौकरियां आए
रोजगार स्थापित हो, बुंदेलखंड के लोगों को बाहर न जाना पड़े, उसके लिए समाजवादी पार्टी की जो 5 साल की सरकार थी क्या किया था? आप देखिए उत्तर प्रदेश में अमूल की अगर सबसे बड़ी बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंड में देखेंगे तो सोलर सिस्टम अभी ललितपुर में जो लगा है वो क्या नौकरियां देने का काम नहीं करता है? वहां पर मजदूरी करते हैं लोग, क्या वो प्राइवेट नौकरी नहीं होती है? सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए एक बता पाए तुम, वो भी सोलर सिस्टम। मैं आपको आपको गिनवाऊंगा धीरे, जो मेरी नॉलेज में होगा, जिस क्षेत्र तक जितना नॉलेज में होगा वो जनते को, जो जमीन पे चीजें होती है ना उसके लिए नॉलेज नहीं जुटानी पड़े, दिखती है सब, वो दिखी है तभी जनता से आवाज आ रही है। तो फिर हारे क्यों? वजह है उसकी, अगर जनता किसी चीज से नाराज हुई है, इन लोगों ने भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का काम किया, लोगों को भड़काने का, सभी के समाजों में जा जा करके वो तुम्हारा हम मुख्यमंत्री बना देंगे, हम तुम्हारा मुख्यमंत्री बना देंगे, इस तरह करके पूरे पूरे प्रदेश में इन लोगों ने भ्रम फैलाने का काम करा, इस वजह से ये गया है। और देख लीजिए डबल इंजन की सरकार बनने का। सर ये कह रहा हूँ, जिस तरह मैं, विनीत द्विवेदी नाम है मेरा, मैं इस समय बेरोजगार हूँ। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ एक चीज कि जितनी तेजी इनने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाने में लगाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से बन रहा है इनका, बहुत अच्छा काम है, मगर केन बेतवा जो परियोजना थी जिससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होना था, जो सूखा दूर होता, नहरें खुलती, वो 7 सालों से थोड़ा ही काम हुआ, उसके बाद वो वहीं का वहीं रुका है। बीच में अभी MP से विवाद हुआ, कोर्ट गया, उसमें वो हुआ, इनकी MP में सरकार, केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार, तीनों जगह सरकार, वो परियोजना यदि सफल हो जाती है तो बुंदेलखंड का सूखा, जो मटाउन एरिया, ये पूरा एरिया है बहुत सूखा है, बोर सक्सेस नहीं है, बारिश से ही खेती होती है, नहरें आ जाएंगी, खेती अच्छी हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बहाल होगा अपना बुंदेलखंड। मगर वो परियोजना ऐसी पड़ी है कि बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दी बुंदेलखंड को। देखिए आप, योगी बाबा का एक लक्ष्य है कि मुझको चुनाव से पहले उस बुंदेलखंड में चढ़ के ही चुनाव लड़ने जाना है, तो उसका काम देखिए, DM रोज वहीं खड़े रहते हैं वो वायरिंग के लिए, तो उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। आगे बात कर रहे हैं ये एक्सप्रेस वे की, बुंदेलखंड की, वो बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि उसमें टारगेट है उनको कि बुंदेलखंड को दिखाना है कि हमने एक परियोजना दी बहुत बड़ी है, मगर वो केन बेतवा जो आधारिक रूप है, जिसके आदमी के आर्थिक रूप में मजबूत करेगा, उस वो उसको बहुत धीमे लाल रहे हैं। अब बात कुछ नहीं, बाकी BJP की सरकार ठीक है, BJP की सरकार बाकी ठीक है। रुको, आपने बोला रुक जाओ दोस्तों, आपने पहले बोला आप बेरोजगार हैं, ठीक, फिर आपने बोला कि सिंचाई वाली, रुक जाओ यार प्लीज, फिर आपने बोला सिंचाई वाली दिक्कत है ना, फिर आपने कहा एक्सप्रेस वे पूरा नहीं हुआ, बन रहा है तेजी से, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप वोट BJP, समझना चाहता हूँ मैं उसका एक रीजन बता रहा हूँ। मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, मैं आज 30 साल का हो गया, नौकरी में पूरा एक तरह से जा चुका है, मैं किसकी शासन काल में बेरोजगार हुआ, ये सपा शासन काल में मैं बेरोजगार हुआ, BSP में बांधा में इतना काम हुआ कि आप गिन नहीं सकते उंगलियों में, और वो 5 साल, रुक जा मुझे बोल ले दो यार भाई, यदि BSP सरकार में बांधा में एक कोई योजना, सदर में इतने सपा के नेता खड़े, सदर में एक कोई बड़ी योजना, RCC मत बताइएगा, बाकी एक कोई बड़ी योजना बुंदेलखंड को पैकेज दिया हो तो बता दे, यार ये हमें, मुझे रुक जाइए, मुझे समाजवादी पार्टी वालों से दिक्कत इंदे क्या रहती है कि जहां आपको विपक्ष के तौर पर भूमिका निभानी चाहिए, रुक जाओ यार, जहां आप लोग को चिल्लाना होता है वहां आप लोग शांत रह जाते हैं, और जब बात करने आया हूं तो आपको पूरी ताकत दिखा देनी, कैमरे से राजनीति नहीं होती भाई। हमने ये कहा कि सपा शासन काल में, को मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ ना किसी पार्टी की बात करो, सपा शासन काल में, सपा शासन काल में मेडिकल कॉलेज बना, सपा शासन काल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, यही अतर्रा का बांदा जी झूठ बोल रहे, रुक जाओ, जा रहा हूँ, अच्छा लगा क्या आदमी हो यार, रुक जरूर आता हूँ, अब शांत हो जाओ आप लोग पहले यार,
सर कंटिन्यू करिए सर सर कंटिन्यू सर रुक जाओ ये रुक जरूर आप लोग भैया कैमरे के सामने आ जाओ नहीं आ जाओ आप कैमरे के सामने क्या यार आदमी हूँ रुक जाओ भैया मैं सच में जा रहा था है ना मतलब बड़ा हम लगातार ट्रेवल कर रहे हैं है ना अब बुंदेलखंड आए हैं बांदा आए हैं तो हम चाहते हैं हम मैं जा तो कहीं रहा नहीं हूँ मैं एक एक आदमी की बात सुन लूंगा और थोड़ा सब्र तो दिखाइए है ना मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना नहीं सर आप पूछिए बाकी आप लोग बोलिए मैं चला जा रहा हूँ आप लोग आपस में बहस करते रहिए क्या नाम मोस्टली आपके आसपास राजनीतिक पार्टियों के लोग इकट्ठा है भाई मैं बुलाया तो हूँ नहीं अब मेरी गलती है इसमें आम जन की भी बात कर लीजिए भाई शकल में नहीं लिखा होता ना किसी की जो एक बार बंद करके गोला गोला बड़ा कर लीजिए तो थोड़ा बंद करिए क्या नाम है आपका सर मेरा नाम आशुतोष तिवारी है कह रहे हैं आप आम आदमी है क्या क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं आम आदमी का पहला मुद्दा है कि हम लोगों को रोजगार मिले हम लोगों को सस्ता सामान मिले जो मेरा सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई सबसे हायर बिजली के रेट है यहाँ पे बुंदेलखंड की नहीं बात कर रहा हूँ केवल मैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है यहाँ पे बिना आप सरकारी कार्यालयों में चले जाइए बिना रिश्वत के एक काम नहीं होता है आपको दिन भर चक्कर लगवाया जाएगा मुख्यमंत्री जी से पोर्टल में आप कंप्लेंट डालिए कुछ भी डालिए वहाँ से ये लिख के आ जाएगा कि आपकी शिकायत का निवारण हो गया है लेकिन अगर आप भूदल में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है रोजगार के नाम पर 5 सालों में कुछ भी नहीं दिया गया भर्तियों के नाम पे कुछ नहीं निकाला गया सरकार का ये मानना है कि आम जनता घूसखोर है इसलिए इसको सरकारी नौकरी ना करके ठेके में काम करवाया जाए एक योग्यता नहीं है मतलब आम जनता के पास योग्यता नहीं है लेकिन मैं अगर पुराने सरकारों की बात करूँ तो बसपा सरकार में बांदा में सबसे बांदा जनपद में सबसे ज़्यादा काम बसपा सरकार में हुआ लेकिन उस समय अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता था तो उसके आसपास की ज़मीनें पहले ही अपने रिश्तेदारों को मंत्रियों के रिश्तेदारों को दे दी जाती थी सब खरीद ली जाती थी पहले ये सब मोस्टली यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध ये कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हैं उनके 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 पूरा परिवार के आसपास ही वहाँ की सारी ज़मीनें चली जाती थी अब जो प्रोजेक्ट आया उसका अब जो योजनाएं निकल रही हैं उसका वास्तविक लाभ वहाँ आसपास के किसानों को मिला है जिसकी धनराशि उनके सीधे खाते में गई है ये भाजपा सरकार की एक अच्छी पहल मैं मान सकता हूँ बाकी सपा सरकार में जो लोग यहाँ पूछ रहे हैं भाई है ना कि भाजपा को इतना प्यार दिया बुंदेलखंड ने सारी विधानसभा सारी लोकसभा है ना पूरा मतलब प्यार उड़ेल दिया जिसे कहते हैं उस हिसाब से क्या रिटर्न मिला उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई रिटर्न नहीं मिला है हम लोगों ने अगर वोट दिया तो मोदी जी के नाम पे दिया यहाँ के लोकल विधायक को विधानसभा में भी आप लोग मोदी जी के नाम वोट देते हैं यहाँ पे हम लोगों ने मोदी जी के नाम पे विधानसभा और लोकसभा दोनों वोट हम लोगों ने केवल मोदी जी के नाम पे ही वोट दिया गया होगा योगी जी के मेरा सवाल तो सुन लो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ अब की बार क्या है योगी सरकार के नाम पे वोट देने वाले कि इस बार भी मोदी जी के नाम इस बार जो है बांदा विधानसभा के अंदर प्रत्याशी के काम के आधार पर वोट दिया जाएगा जो यहाँ के विधायक हैं सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी जी उन्होंने जो काम किया है पिछले जो भी विधायक रहे मैं नसीमुद्दीन जी की बात नहीं करते वो कैबिनेट के मंत्री रहे इसलिए उन्होंने बसपा सरकार में बहुत विकास किया है लेकिन उसके बाद केवल प्रकाश चंद द्विवेदी जी ने ही बांदा का विकास किया है और सपा की सरकार रही ये सपा की बात कर रहे हैं 5 साल सपा की सरकार रही बांदा में इनको रिंग रोड नहीं बनवाएगा भाजपा की सरकार 5 साल हो गए रुक जाओ अब 5 साल हो गए बन गई जी स्वीकृत हो गई है उन्होंने भी स्वीकृत आप भी स्वीकृत स्वीकृत रोड माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ले लो माइक तुम्हें रिप्लाई कर लो बोल चुके हो ना एक बार ये तो सब बड़ी दिक्कत है अपने आप सबको राजनीति करनी है सबको चेहरा चमकाना है मुद्दे पीछे छूट जाते हैं माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री ने 500 लोग बोल चुके मुद्दा अजीब आदमी है माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने
रिंग रोड के लिए स्वीकृति दे दी है, इसलिए बजट भी जारी हो गया है और बहुत पाँच साल हो जाएगा। देखिए चुनाव जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, है ना, इसी में आपको परफॉर्म करना होता है और इसी के आधार पर जनता तय करती है कि हम अगली बार वोट दें ना दें, सरकार किसकी आए किसकी ना आए। 5 साल में आपके विधायक ने क्या काम किए जो कम्प्लीट हो गए 5 साल के अंदर? अब आप यहाँ की रोडों को देख लीजिए, प्रत्येक गांव को कस्बे टाउन एरिया और टाउन एरिया को शहर से जोड़ने का काम और सबसे अधिक अगर रोडें बनाने का काम किया है पिछले आजादी के 70 साल। शिकायत कर रहे हैं गड्ढे हैं, पिछली सरकारों से बेहतर रोडें बनाने का काम इस सरकार ने किया है। पिछले सरकारों का आप देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में क्या काम हुआ। यार शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी डिग्री कॉलेज खुलाओ, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलाओ, डिग्री कॉलेज की मांग है और ये प्रयास है। रुक जाओ यार, बोल चुके हो। मेडिकल कॉलेज में सब सीटें बढ़ाई गई है, मेडिकल कॉलेज है बांदा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ सीटें बढ़ाने का काम किया गया है, वहाँ की सुविधाएं बढ़ाने का काम किया गया है। रुक जाओ यार रमेश भाई, वहाँ की सीटें बढ़ाने का काम किया गया है मेडिकल कॉलेज की। और समाजवादी पार्टी यार इसको बंद कराओ आदमी को, यार मैं पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी सरकार में 5 साल में क्या विकास हुआ है, क्या हो रहा है? सुन तो लो, समाज मेरा नाम राम जी है, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर। पीछे हटो यार, थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए एक चीज, एक ए भाई रुक जाओ, आप बोल तो चुके भाई साहब, मतलब क्या है यार, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे होइए पहले जी सर, आप पहले थोड़ी देर बात होगी, और पीछे होइए आप लोग, है ना, अब आप बोलो। यहाँ के लोग दलाली को रोजगार कहते हैं और अपनी अपनी जीत करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे अभी ये सारे युवा कर रहे हैं, वो भाजपा की तरफ से झूठ बोल रहे हैं, वो सपा की। चाहिए यार, ठीक है मुझे बोलने दे मेरे भाई, अरे तो बोलने दे, पूछ लेता हूँ, आप सपा कार्यकर्ता हैं? नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आप सपा से जुड़े, कोई बुराई नहीं अगर है तो बता, कोई सपा से, सपा के नेता खड़े हैं कोई बता दे मेरा कोई सदस्यता हो, कोई बता दे मेरा कहीं सदस्यता रसीद हो, मैं सपा से नहीं हूँ, ये सारे तमाम खड़े हैं। हो किसी पार्टी होने कोई बुराई नहीं है ना, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मैंने अभी बताया कि यहाँ के लोग दलाली को ही रोजगार समझते हैं और अपना अपना चेहरा चमकाने को राजनीति समझते हैं। भैया भाजपा का पक्ष रख रहे थे, वो सपा का पक्ष रख रहे थे, वो बता रहे थे कि हमने 300 बेड वाले अस्पताल में बढ़वा दी हैं सीटें। हकीकत ये है कि कोरोना काल में वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग मर रहे थे, लोग एक पानी नहीं मिल रहा था, सही कह रहा हूँ, पानी नहीं मिल रहा था मेडिकल कॉलेज में, जिसपे सपा और बसपा सब खेल पीछे कर लो जाके जेब काट रहा है। सपा और बसपा का शासन काल में जो कॉलेज बना था उसमें जितनी व्यवस्थाएं तब थी वही व्यवस्थाएं अब भी चल रही हैं। महोदय के बारे में ये बात कर रहे थे, महोदय 2 पदों पर थे, ये कबीना मंत्री की बात कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे वाले 2 पदों में थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे और सदर विधायक भी थे। जिला पंचायत सदस्य तो खैर थी ही थी, जितना सदर विधायक को का कोटा होता है उससे कहीं ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष का कोटा होता है। तमाम जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जो बांदा में, सबके सब रोते रहे हैं कि आखिर विकास कहाँ है। तो पता चलता था कि कुछ चंद गांवों में चंद लोगों के आसपास खड़ंजा नाली वो करवा, जो भैया ने बताया कि इतना विकास करवाया है, बाकी सब हवा हवाई है। नौजवानों से बहुत बात कर लिया, थोड़ा बुजुर्ग लोगों से बात कर लें। क्या नाम है? हरिमर्दन। प्लीज शांत हो जाइए, और अपने और जो लोग हल्ला कर रहे हैं अपने बीच उनको खुद शांत कराइए ना यार, आप लोग मतलब मुझे बोलना पड़ रहा है, तो गांव की भी जिम्मेदारी है ना। हरिमर्दन सिंह, मेरा व्यवसाय है ट्रेडर्स का व्यवसाय है। नौजवान जो है अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं और आपने तमाम सरकारें यहां देखी होंगी, बसपा सपा और अब भाजपा, क्या आप किस तरीके से रेट करते सभी सरकारों को, किसने बुंदेलखंड में काम कराया, किसने नहीं कराया, क्या कराया? काम तो यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी से अच्छा काम किसी ने नहीं कराया आज तक। और लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जमीनें भी कब्जाई, उनके लोगों को आर्थिक लाभ भी हुए। जिसकी भी सरकार आती है
जो नेता लोग होते हैं मौके का फायदा उठाते हैं, उनके परिवार वाले उठाते हैं, उनके सागिर्द उठाते हैं। ये हमेशा से होता आया है, जो पावर में होता है उसके सागिर्द ही तो फायदा उठाते हैं। रही बात हमारे यहाँ की बांदा के विकास की, तो इसका सबसे बड़ा कारण है विकास न होना कि यहाँ पे अच्छे रोड नहीं रहे, कनेक्टिविटी नहीं रही। अब बुंदेलखंड जो ये बन रहा है वो एक्सप्रेसवे हमारे लिए रोड कनेक्टिविटी का अमृत वरदान है ये बांदा के लिए, और इसको सबसे इसको बनने के बाद देखिएगा, हमें विश्वास है कि बांदा का विकास होगा। क्योंकि विकास शहर का तभी होता है जब फैक्ट्रियां आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को काम मिलेगा तो विकास होगा। वो कह रहे आएंगी, अच्छा आएंगी। भाजपा सरकार का सिर्फ नाम बदलना ही विकास है, बांदा का नाम बदल दो विकास हो गया। अब अभी तक क्या था, इन 5 सालों में योगी सरकार में जितनी राजस्व की वृद्धि हुई है इन 12-14 सालों से किसी सरकार में नहीं हुई। सुन दो लोन भाई, ये जो मुद्दे हैं दादाजी को पेंशन मिल रही है सरकारी, पा रहे होंगे भाजपा बांदा के जो मुद्दे हैं आपने सुने। और मतलब मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि हम तो घंटों के हिसाब से आते हैं बात करने के लिए, पर लोगों में सब्र नहीं है। आगे जो मुद्दे हैं वो आपने सुने, ऐसे और शहरों में जाएंगे वहां के मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप।